हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करती हूँ। ये एक हैंगिंग प्लांटर का स्टैंड लेके आई हूँ मैं। और देखिए, ये इसको क्या कह सकते हैं हम। तो ये देखिए, ये फोर टीयर कह सकते हैं हैंगिंग स्टैंड है। इसमें चार हैंगिंग पॉट्स लग जाते हैं। और अगर हमें किसी बड़ी दीवार के अगेंस्ट मतलब उसके ऑपोजिट लगाने हो, तो उसके साथ साथ ऑपोजिट तो क्या, उसके साथ साथ ऐसे हम खूब सारे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसमें ये जो पास से मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से लगता है। अभी क्या है कि बैकग्राउंड प्लेन नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली नहीं दिखता है आपको ये। और ये खाली ये वाला जो स्टैंड स्टैंड है, ये मुझे 350 का मिला है। बड़ा खूबसूरत लगा। अगर इसमें देखिए सारे हम ऐसे स्पिल होने वाले पौधे लगा दें ना, यूं ऐसे करके, तो सारे जो है एक साथ अगर मिल जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई किसी चीज़ का टावर ऊपर से ऐसे लटका रखा है। बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी तो मैंने लगा दिए इनमें, ये जो मेरे पास छोटे वाले गमले पड़े थे, यही वाले गमले इनमें आएंगे। और इसमें आप सिरेमिक प्लांटर्स भी लगा सकते हो, अगर छोटे वाले या फिर जो लोए वाले छोटे प्लांटर्स आते हैं ब्यूटीफुल से, वो भी आप इनमें लगा सकते हो। तो लेकिन ये ऐसे 6 इंच के इस टाइप के पॉट लगेंगे। इसके साथ जो पॉट्स मिल रहे थे वो सेल्फ वाटरिंग पॉट थे। वो 100 100 रुपीज़ का एक पॉट था, इसलिए मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा मैं इसको कुछ और लगाऊंगी इसमें। और जैसे मैं एक ही टाइप के पौधे इन चारों में लगा दूं और ऐसे बाहर फैलने वाले हों वो, तो ये पूरा भर जाएगा, टावर जैसा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फोल्डिंग है ये, और फोल्डिंग ऐसे है, देखिए ये इसके ये जो गोले हैं ना, ये अलग आए हैं। ये वाले जो गोले हैं ये अलग आए हैं, और ये जो स्टिक्स आई हैं ये अलग आई हैं। देखिए ये ऐसे, ये देखिए ये अलग आई हैं। यहाँ से ये ऐसे निकल जाता है, एक एक नॉब में ये दो फिक्स होते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए ये वाला जो नॉब है ना, इस सर्कल में बना हुआ, ये वाले जो सर्कल हैं इनमें ये नॉब्स बने हुए हैं। देखिए आपको मैं दिखाऊं, ये ऐसे। और ये वाली जो ये स्टिक, ये नॉब्स हैं, देखिए इसमें, इस एक एक नॉब में ऐसे ही इसमें ये जो होल हैं ये ऐसे फिट हो जाते हैं। ये थोड़ा ऐसे करके यूं, फिर ये ऐसे निकलते भी नहीं है, ऐसे निकालो तो ये बस ऐसे हॉरिजॉन्टल करके फिक्स। और इसमें दो फिक्स होते हैं, एक तो जो नीचे गोला लगेगा उसका, और एक ये ऊपर वाले, ऐसे देखिए। और ऐसे ही ये ऐसे लगा रखे हैं, देखिए एक ये ऊपर वाले का, नीचे वाले का। अब जैसे देखिए इसमें मैं ये तीनों नॉब लगा लेती हूँ, ये तीनों नॉब मैंने नॉब्स में ये लगा दिए तीनों, ये देखिए। अब इनको मैं यूं पकड़ लेती हूँ और इस वाले में, ऊपर वाले में ये लगा देते हैं ऐसे। ये गोला बाद में लगाएंगे नीचे वाला, चलिए। और एक बार जब इसमें वेट आ जाता है और ये लग जाता है ना, फिर ये नहीं खुलता। ये देखिए ये लगा दिए मैंने ऊपर वाले, अब ये नीचे वाला गोला। ऐसे ये फिट हो जाते हैं। और इसमें अब आप जो है वो गमला रख के दिखाती हूँ आपको मैं। इसमें ये ऐसे गमला आ जाता है। तो ये अगर आपको किसी वॉल के अगेंस्ट लगाने हो, वॉल के अगेंस्ट लग जाते हैं, और या फिर आपके यहाँ कोई वरांडा वगैरह है उसमें आपको एक लाइन से ऐसे लगाने हैं, जिस तरफ आप ज़्यादा आते जाते नहीं है ना, उस तरफ अगर ऐसे एक लाइन से खूब सारे लगा दें तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। बस इसमें एक चीज़ है कि इसमें 6 इंच का प्लांटर ही आता है, तो इसमें आप छोटे लगा सकते हैं। वैसे मैंने इस तरह के बड़े वाले भी देखे थे, जिसमें ये जो अपनी हैंगिंग बास्केट्स होती है ना बड़ी वाले, ये वाली, ये देखिए ये वाली, इस वाली, ये वाली हैंगिंग बास्केट्स होती हैं, इनका भी बना हुआ था, ऐसा स्टैंड भी था वहाँ दुकान पर। तो लेकिन मुझे ये छोटे वाले ज़्यादा अच्छे लगे, और मेरे पास एक्चुअली जगह अब इतनी है नहीं, तो फिर मैं सिर्फ आपको डिस्प्ले के लिए और अपने कोने में एक अलग चीज़ लगाने के लिए इसको लेके आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। आप बड़े वाले भी ले सकते हैं, बड़ी टोकरियों के साथ भी ऐसा बन जाता है। तो ये नई चीज़ मुझे दिखी,
तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये देखा भी हो और उनके पास हो भी, लेकिन मुझे नया लगा तो मैंने कहा आपको नई चीज़ दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए लियो महाराज भी घूम रहे हैं, ये देखिए अभी मॉर्निंग है ना तो अभी सफाई वगैरह नहीं हुई हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय। ओहो ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा 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 बेटा।